तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल अंकल पाई में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 8। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमॉन मेगा। तो पिछले ही एपिसोड में हम जाते हैं अगली सिटी की तरफ जहाँ पे रास्ते में हमसे मे मिलती है। हम मे को फाइट करते हैं और उसको डिफीट कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं हम रॉक टर्न के अंदर जहाँ पे हमें एक मास्क मैन मिलता है जो चैरेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्तों हम उसको रोकते हैं, चैरेट को कंट्रोल होने से बचा लेते हैं। उससे हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा समझिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है हिप्नो। सबसे पहले आंसर दिया है लक्ष्य भाई ने, फिर दिया अंकित ने, फिर दिया किलर ने, फिर दिया अनबीटेबल बॉयज ने, फिर दिया प्रदीप एफएफ ने। दोस्तों यही वो डी पोकेमॉन हार्ट फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमॉन हार्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पे आने वाला है। चलो चलते हैं यहाँ से आग की तरफ। और उससे पहले मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ा है नो बैट, और ये हमें जो है रॉक टर्न में मिला था लेवल 20 का। ये वैसे ही नॉर्मल पोकेबॉल्स के अंदर बंद था और उसमें से मुझे सिर्फ यही पसंद आया। हम वहाँ पे 3-4 पोकेबॉल्स थी मे बी मेरे हिसाब से, हाँ थी, तो मैंने उनमें से सिर्फ यही पसंद आया था मुझे और मैंने इसे पकड़ लिया था। बाकी मुझे कोई पसंद नहीं, उसमें कंगस खान भी था तो मैंने उसे नहीं पकड़ा भाई। मेरा मन नहीं था उसको पकड़ने का, सोचा ये नो बैट को पकड़ लेते। वैसे ये ड्रैगन टाइप आता है, ड्रैगन और फ्लाइंग में, और जो अपना दूसरा वाला पोकेमॉन वो ड्रैगन और रॉक टाइप में आता है, तो कोई बात नहीं हम हैंडल कर लेंगे। और वैसे भी लैप्रेस है तो अच्छी बात है। बाकी भाई मैंने सबसे फाइट कर ली थी और हम अब आराम से जा सकते हैं आग की तरफ। तो यहाँ पे जितनी पोकेबॉल्स आएंगी उसमें कुछ ना कोई पोकेमॉन ज़रूर होगा, तो आप उनमें से कोई पकड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग देख लेना। पर हाँ नू बैट की जो पोकेबॉल्स शायद मैंने यहाँ पे मुझे मिली थी, तो यहाँ पे आके देख लेना, पर आपकी मर्जी से पकड़ना ना पकड़ना। पर मैंने पकड़ लिया, मेरे 2 ड्रैगन टाइप हो चुके हैं, एक वॉटर टाइप और एक आइस टाइप है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचा एक लुकारियो पकड़ लेता हूँ, पर हाँ लुकारियो मिलता भी नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से। मुझे मिला भी लुकारियो अभी तक है नहीं कहीं पर भी, वैसे मिल जाते कितना बढ़िया होता। और साथ में यार मेगा एवोल्यूशन स्टोन्स कहाँ पे है भाई, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। ठीक है भाई अभी पूरे टर्न को कंप्लीट कर लेते हैं, और आई थिंक अभी कोई फाइट करने के लिए आया तो नहीं। मैंने अच्छा खासा लेवल भी गेन किया था इनके साथ फाइट करते। ओ वहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी, जरा उसको क्लेम कर लेता। मैंने पहले क्लेम नहीं किया था, मैं सोचा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तभी उसे क्लेम करूँगा, फालतू में क्लेम नहीं करने वाला, फिर पता नहीं था कौन सी चीज़ मिली होती है उसमें। यह है स्टार डस्ट, इसको हम रख लेते हैं, यूज़ नहीं करना था, कोई बात नहीं, इसको बेच देंगे हम मार्ट में। और हाँ मेरे मार्ट में कुछ रीपल्स भी वैसे पहले से पड़े हैं, अभी ख़त्म होंगे कगार पे ही होंगे मेरे हिसाब से, 10 ही पड़े होंगे, 10-12 रीपल्स पड़े होंगे बाखरी में। और देखते हैं आगे जो मार्ट आएगी उसमें से हम क्लेम करेंगे। वो देखो वहाँ पे एक पोकेबॉल है ना, उसके अंदर भी एक पोकेमॉन था, याद नहीं आ रहा कौन सा था, पर मैंने नहीं पकड़ा, मतलब अच्छा नहीं था वो, तो इसलिए मैंने पकड़ा नहीं होगा। ओके हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तो इसके नीचे की साइड से देख लेते हैं। और हाँ इस टर्न को पार करने के बाद हम सरीना से मिलने वाले हैं। मैंने पूरा टर्न पार कर लिया था और मैं सरीना से मिला था, मैंने फ़ाइट नहीं की थी, वो फाइट का सीन था और कुछ नहीं था, मैंने उसे फ़ाइट अभी की नहीं थी। सोचा पहले वहाँ तक चलते हैं फिर फ़ाइट करते हैं उसके साथ, और बाकी हम उसको देखते हैं भाई कितना उसमें दम है। और आई थिंक सरीना के पास टोटल 3 पोकेमॉन थे कि 4, उसके अलावा उसके क्या लेवेंडर टाउन आ जाता ना लॉक टर्न को कम्प्लीट करने के बाद, तो मतलब लेवेंडर टाउन पास में ही है, तो हम इजीली लेवेंडर टाउन तक चले जाएंगे। लेवेंडर टाउन में कोई बैच है हमारा, नहीं शायद कोई बैच नहीं है हमारा मुझे लग रहा है। ठीक है तो यहाँ पे अब ज़रा लगता है हम पहुँचने वाले हैं, मुझे लगता है इसके आगे शायद टर्न ख़त्म होने वाला है। ये हमें मिली रिपीट बॉल, ठीक है इसको रख लेते हैं। और मुझे देखते हैं भाई कोई लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के लिए इस बार आता है कि नहीं आता, क्योंकि अभी तक कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन मैंने ध्यान से देखा नहीं है। हाँ म्यूटू आया था, उसके अलावा हाँ बाहर आ गया, यहाँ पे सरीना आने वाली है। ओके तो सरीना आ चुकी है, अब ये फाइट करने वाली है यहाँ पे। हाँ वो लेजेंडरी पोकेमॉन कोई सीन लगता नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि बस एक बार म्यूटू देखा था, वो जियोवानी क्या था अपना नहीं है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बाकी देखते हैं भाई यहाँ पे कोई अच्छा मस्त लेजेंडरी पोकेमॉन होना चाहिए, वैसे होने तो चाहिए भाई, जैसे जेपडोस वगैरह होंगे मेरे हिसाब से। ओके देखते हैं, बस 3 पोकेमॉन में से पहला होगा इसका कंबस्कन या ब्लेजिगन में से एक ही होगा, चलो देखते हैं भाई। ओ मैं भूल गया था ये मे नहीं है, मैं भूल गया था, मैं तो कंबस्कन सुन में सोचा कंबस्कन ब्लेजिगन, पर हाँ ये मे नहीं, ये सरीना है। मेरे दिमाग से निकल गया कि सरीना के पास तो फेरेकिन थी, वो अब याद आया फेरेकिन थी उसके पास। तो ब्लास्टोइस डिसअपॉइंट मत करना, मैं एक्वाटेल करूँगा, एक्वाटेल करें वाटर पल्स करें, चलो एक्वाटेल करते हैं, एक्वाटेल हाँ सही रहेगा। पर पूरा इसको मार देना, ज़्यादा गेम जो मैंने रेयर कैंडी खाई थी अपनी आखिरी रेयर कैंडी जो मुझे मिली थी, अगर इसने ऐसा नहीं किया ना तो यार इसको किसी मैच में नहीं खिलाऊंगा।
बेकार है ब्लास्ट वाइज से बड़े तो अपना वो है लैप्रेस। ओके पूरा जाना चाहिए पूरा पूरा पूरा। ओ शुक्र है ब्लास्ट वाइज, शुक्र है भाई तुमने कुछ अच्छा काम किया। अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट पोकेमोन क्या है, ईवी होगा तो ईवी भी था ना एक शायद, हाँ ईवी भी हो सकता है इसका नेक्स्ट पोकेमोन। ओके पांडा भी था, पांडा वाला पोकेमोन भी था इसके पास मुझे याद आया, हाँ था तो शायद इसका नेक्स्ट पोकेमोन वही है। मैंने तो पोकेमोन पढ़ा भी नहीं भाई कौन सा नेक्स्ट आने वाला है। ओके तो यहाँ पे आ चुका है इसका पांडा शायद, हाँ वही है आ गया भाई। चलो अब इसके साथ हम करते हैं एंशिएंट पावर, चलो अर्थक्वेक करते हैं तब कोई सैप आता है कि नहीं, सैप हो नहीं पाएगा मुश्किल है ऐसी बात नहीं है। चलो देखते हैं भाई पूरा जा पूरा जा, गुड जॉब। लास्ट पोकेमोन इसका ईवी होना चाहिए, हाँ ईवी होगा इसका लास्ट भाई, ईवी होगा कि चीज़ में इसने ईवी को इवॉल्व किया होगा तो उसका मुझे नहीं पता, हाँ पर इसका ईवी था इसके पास, हाँ इसने ईवी को इवॉल्व किया साइकिक टाइप के अंदर। तो ठीक है तुम संभाल लोगे ना बिडू, तुम पे भरोसा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। हम करते हैं ना एंशिएंट पावर करें इसको पूरा मारते हैं, एक मिनट शायद हम हार सकते हैं इससे, अरे लगा ही था इस पर इफेक्टिव नहीं करेगा इतना अटैक, हाँ पर अगर इसने किया तो बहुत इफेक्टिव पड़ेगा, साइकिल मूव किया तो हाँ इस पर इफेक्टिव है मुझे याद है इस पर इफेक्टिव होता है। चलो देखते हैं, ओके इसने मून ब्लास्ट किया है, ये भी एक ख़तरनाक मूव है, सुपर इफेक्टिव है, ठीक है हमें चेंज करना चाहिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम यूज़ करेंगे एक फायर टाइप पोकेमोन मतलब चार्डिज़ार्ड, इसे हैंडल कर ही लेगा मुझे इस पर इतना भरोसा तो है भाई, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अभी हमारा वही पोकेमोन है पूरी टीम में 61 का, नहीं 60 का मुझे लगा 61 का हो गया ये, पर नहीं 60 का, कोई बात नहीं। ओके इसने कुछ कॉपी किया हमारा, क्या किया भाई कॉपी, इसने जो मर्जी कॉपी कर ले तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, हम फायर टाइप में आते हैं। अरे भाई डैमेज बड़ा कम पड़ रहा है इसको, ओ लाइट स्क्रीन किया है यार, इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया यार, यही प्रॉब्लम है बबे, इसको माना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओ यही लगा था मून ब्लास्ट, ओके तो ये बहुत मस्त मूव है यार, मुझे मून ब्लास्ट बहुत पसंद है, पर ये आना भी चाहिए किसी पोकेमोन को, चार्ड पे इफेक्टिव ही नहीं पड़ता भाई, ये अच्छा किया चार्लीजार्ड, तुम अच्छे हो चार्लीजार्ड मुझे पता है। गुड जॉब हमने सिरेना को डिफीट कर दिया, ये मे से थोड़ी कम से है पर मे के पास ज़्यादा पोकेमोन भी है तो मे को डिफीट करना इतना आसान भी नहीं है, और वैसे भी इसको डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मे को टाइम लगा था डिफीट करने के लिए हमें, कोई बात नहीं सरीना हार चुकी है, अब देखते हैं सरीना क्या सोचेगी इसके बाद, बाकी इसके आगे लेवेंडर डाउन तो आ ही जाना है। ओके तो अब सरीना फाइनली हो चुकी है डिफीट, कुछ दे दो कुछ काम की चीज़ अगर है तो, ये कुछ फालतू में बोल के चलेगी समझ भी नहीं आया हमें तो। ओके नीचे साइड एक पोकेमोन होना चाहिए, देखते हैं कौन सा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, पहले बहुत वार्ड है पोकेमोन हो चुके हैं, इसको लेके क्या करूँगा मैं, अब रन करते हैं। वैसे मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया अपने नॉर्मल पोकेमोन गेम्स में, हाँ पर आगे अगर कभी चॉइस में अगर ये मिलता है तो हम मतलब इसको भी यूज़ करके देख लेंगे कैसा है ये, मैंने कभी चूज़ नहीं किया इसको पर सोचा भी कभी पकड़ने के बारे में, वैसे ये एम्बो वर्जन में आता है बहुत बार पर मैंने कभी पकड़ा नहीं। अच्छा रूट नंबर 8 पर रॉक स्मैश करना, रॉक स्मैश तो मिला भी नहीं भाई हमें, तो ठीक है भाई नो कर देते हैं, अब तो रिपेल्स बचाओ यार, बहुत कम रिपेल्स हैं, देखते हैं मार्ट में कुछ मिलता है तो काम की चीज़ हम ले लेते हैं। अब पोकेमोन सेंटर कहाँ है भाई, एचपी फुल करते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई आगे कहाँ जाना है, क्योंकि लेवेंडर डाउन है तो यहाँ पे घोस्ट टावर तो होना ही चाहिए, अगर है तो हम फाइट करके आते हैं। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ और आगे वैसे होगा लेवेंडर टाउन है तो घोस्ट टावर तो होगा ही होगा, मैं घोस्ट टावर में गया, टीम रॉकेट यहाँ पहुँची हुई थी मुझसे पहले, मैंने सबको पेल डाला, बहुत बुरी तरह पेला, 61 का चार्ट हो गया अपना भाई फाइनली, तो मैंने इन लोगों को पेल डाला, पर मैंने जैसे और जेम्स को नहीं मारा क्योंकि वो सबसे टॉप पे है, सोचा जब उनको मारेंगे तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे हम, ठीक है ना, तो हम जैसे और जेम्स तक चलते हैं, वो टॉप नंबर 1 फ्लोर पे खड़े हैं हमारे सामने, और मैं उसके आगे गया भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने उनसे फाइट नहीं की, उनके आगे मैं गया नहीं हूँ, सोचाऊंगा कि भाई अब हम डिफीट करेंगे तो आराम से जाएंगे, देखते हैं ऊपर क्या सीन होने वाला है, या तो इस जगह पर ट्रिप रॉकेट ने किसी बंदे को पकड़ा होगा या फिर वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन के पीछे होंगे, पर घोस्ट टावर में कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन हो सकता है, डाकराय हो सकता है, पर क्या इस गेम में डाकराय है भी है कि नहीं इतना तो नहीं मुझे पता, पर हाँ डाकराय हो सकता है क्योंकि या फिर कोई भी घोस्ट टाइप पोकेमोन जो जियोवानी के काम का हो, मतलब ट्रिप रॉकेट जिसे पकड़ना चाहती हो वही होगा, पर देखते हैं भाई क्या ऊपर हिसाब किताब बनता है। अभी मैं ऊपर तक गया था ना, मैंने उनसे फाइट की है तो हम कोई भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ के मेन पीछे हैं अभी, पर हम ढूंढ लेंगे उन्हें और देख लेंगे भाई क्या करने लगे हो तुम यहाँ बताओ हमें भी। चलो यार आई थिंक पहुँचने वाले हैं, ये नमूने ऊपर की साइड ही होने वाले हैं शायद अब। ओके यहाँ पे मिल चुका हमें TM12, इसमें क्या है कि चलो छोड़ो पर मैं देखा नहीं ध्यान से, शायद टॉन अटैक था, और यहाँ पे आ चुके हैं जेसी और जेम्स और म्याउती किसी चीज़ की, अब पता नहीं क्या इनका वार्तालाप चल रहा होगा।
ओके, तो अब तुम किस पोकेमोन के पीछे या तुम हमारा वेट कर रहे थे भाई? मुझे क्या पता तुम्हारा क्या प्लान है, पर तुम्हें अगर फाइट करनी है तो तुम गलत जगह आए हो, क्योंकि मैं बहुत पेलने वाला हूँ तुम लोगों को। और हाँ, पैसे ज़्यादा देना भाई, क्योंकि पैसे बहुत कम दे रहे हो यार आजकल तुम लोग। तो अगर तुम मार खा रहे हो तो पैसे ज़्यादा दो, कोई बात नहीं। तुम वैसे कहाँ फालतू मशीन्स बना रहे हो अभी के लिए? तो यहाँ पर अपने दो पोकेमोन डाल दिए, दोनों ही बहुत बेकार हैं, इनको हमारा चाइल्ड विनसोर देख ही लेगा। ठीक है, चार्जर तुम्हारा फ्लेम थ्रोअर काफ़ी होगा इसको डिफीट करने के लिए, और विनसोर का पेटल डांस। देखते हैं तुम लोग इन दोनों अटैक्स को हैंडल कर पाओगे कि नहीं, पर मुझे लगता है नहीं, तुम इस अटैक को हैंडल कर ही नहीं पाओगे। लो, इसका पहला पोकेमोन गया, चलो भाई निकलो यहाँ से। नेक्स्ट पोकेमोन को ये तो हम आराम से डिफीट कर देंगे, इसके आगे बॉम्बा फेट होगा और लास्ट पोकेमोन म्याउथ होगा। मे बी चार पोकेमोन है ना, तो म्याउथ होगा ही होगा इनका, जरा म्याउथ, उसकी कोई गलती भी नहीं है पर उसको आना पड़ता है बार बार। चलो भाई इसको भी जरा उड़ाते हैं, जरा बॉम्बा फेट, तुम्हारा भी जरा काम तमाम करते हैं इसके बाद। वैसे बॉम्बा फेट पे फ्लेम थ्रो और सुपर इफेक्टिव तो नहीं होगा, पर हाँ इसको पूरा मार सकते हैं फ्लेम थ्रो, नहीं तो बाकी पेडल डांस तो अभी चल ही रहा है तो बॉम्बा फेट को लग ही जाएगा पेडल डांस। पर देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है, उसके हिसाब से मारेंगे। म्याउथ होगा नेक्स्ट, और क्या देखते हैं एक बार नेक्स्ट कौन सा है भाई, जल्दी दिखाओ। म्याउथ बेचारा, चलो भाई तुम्हें पेलते हैं म्याउथ। फ्लेम थ्रो खा लोगे थोड़ा सा? चलो खा लो। हाँ पहले बॉम्बा फेट को मारते हैं फिर इसको देखते हैं, क्योंकि इसको मारना तो हलवा ही है म्याउथ को, तो म्याउथ क्या कर लेगा, क्या स्क्रैच कर लेगा आकर या बाइट कर लेगा, बस इसके अलावा इसको आता क्या होगा। चलो भाई ये बॉम्बा फेट पूरा गया, लास्ट पोकेमोन बचा है इनका म्याउथ। चलो म्याउथ तुम्हारी बारी है डिफीट करने की। हमने कभी म्याउथ यूज़ नहीं किया ना किसी पोकेमोन गेम में, और मैं यूज़ करने के प्लान में हूँ भी नहीं। देखते हैं यार, मुझे म्याउथ इतना कुछ खास लगता नहीं है क्योंकि वो बेकार है। लो म्याउथ पूरा गया। तो गाइस हमने फाइनली टीम रॉकेट को डिफीट कर दिया हुआ है, अब देखते हैं टीम रॉकेट अब किस चीज़ पे हमें बात करने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग पिल चुके हो और तुम्हें जो चीज़ के पीछे हो ना वो तो मैं ऊपर जाके देख ही लूँगा। अब देखते हैं, चलो जेसी और जेम्स दोनों हो चुके हैं डिफीट, और टीम रॉकेट देखते हैं क्या करने वाले हैं। ओके बताओ अब तुम लोग क्या किस चीज़ के पीछे हो, और हिंट दो ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। ये भाग गया जेसी, भाग गई जेम्स और म्याउथ को छोड़ के। ओके जेम्स भी भाग गया, म्याउथ अकेला बचा है। चलो म्याउथ तो तुम ही बताओ हमें, ये म्याउथ कुछ बोल रहा है। लो भाई म्याउथ भी भाग गया, हुआ वो बोल रहा था भाई तुम लोग मुझे छोड़ के अकेले, भाई मुझे बचा लो ये बहुत मारेगा, और मैं तुम्हें पकड़ना चाहूँगा क्योंकि तुम बोलने वाले म्याउथ हो। चलो गाइस अब इस चीज़ को छोड़ते हैं और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे पोकेबॉल है क्या है इसमें? नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए, पकड़ना तो पकड़ लो, मुझे नहीं पकड़ना, मैं जा रहा हूँ ऊपर देखने। भाई देखते हैं ऊपर क्या है हमारे लिए, कुछ ना कुछ मस्त होने वाला है लगता है ऊपर। ओके तो यहाँ पे जियोवानी है और एक लेजेंडरी पोकेमोन भी है, और इसको पकड़ने की कोशिश करो। ये कालोस रीजन का लेजेंडरी पोकेमोन कैंटो रीजन में कैसे पहुँचा भाई, मेरा तो यही क्वेश्चन है। पहले भाई पहले मुझे ये बता, जियोवानी ये इतनी दूर कालोस रीजन से कैंटो रीजन तुझसे मिलने आया था? वो चाहता था कि भाई जियोवानी आप उनको पकड़ेगा और आप उनको भी म्यूटू बनाएगा। वाह म्यूटू तो अलग चीज़ थी ना, तो ये क्या बनेगा, छोड़ो यार मैं दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। ओके तो यहाँ पे आ चुका है अपना, एक मिनट इसके पास एक ड्रैगन नाइट है। ओके ये ड्रैगन टाइप पोकेमोन लड़ा रहा है इसके सामने, और अब जियोवानी लगता है कि ये अब मुझसे फाइट करने के मूड में है, क्योंकि मैं सामने हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई मत पकड़ो वो लेजेंडरी पोकेमोन है। क्यों? वो मैं पकड़ने का मन है ना इसीलिए। ये एबल का मतलब क्या हो रहा है, क्या सीन है भाई, क्या है, किस पे क्लिक करूँ क्या? चलो इस पे फर्स्ट, अच्छा वो बोलेगा पहले तीन पोकेमोन से फाइट करेगा वो, ठीक है हम लेके जाएंगे चारिज़ार्ड और लेके जाऊँगा वीनसॉर, ब्लास्टोइस ना हम लैप्रेस लेके जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन नाइट पोकेमोन होगा तो ड्रैगन नाइट पक्का यूज़ करेगा अब वो। तो ड्रैगन नाइट को हराने के लिए हम आराम से आइस बीम या शीर कोल्ड कर देंगे जो इसको आता है, तो इससे वो जो पूरा चला जाएगा। तो अब आ जाओ जियोवानी निडो किंग। ओके 50 लेवल का चार्जर 61 का है, फ्लेम थ्रो करेंगे, मसा तेरी लाल तक हेल्प जाएगी, देखा मुझे लगा ही था। चलो नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं कौन सा है इसका, ड्रैगन नाइट। ओके हम लेंगे अपना लैप्रेस, शीर कोल्ड या शीर कोल्ड करते हैं, शीर कोल्ड। चलो ड्रैगन टेल, अरे पोकेमोन चेंज, ये तो स्कैम है भाई, वे बर्न हो गया, ये भी अच्छी बात है, पर अब लगता है मुझे पोकेमोन चेंज करना चाहिए और मैं दोबारा लूँगा लैप्रेस। ओके हाँ वैसे बोल रहा है पोकेमोन तो एक्वा टेल चलने नहीं वाली तेरी यहाँ पे, अरे फिर ड्रैगन टेल माला, ये तो स्कैम इनटू 100 करता है भाई। पेडल डांस करके देखें, नहीं पूरा नहीं गया, एक बार दोबारा करते हैं, अरे HP फुल चीटर निकला यार तू। ओके तो अब हम पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़ होने वाला कुछ देर के अंदर, हो गया कन्फ्यूज़।
हम यूज करेंगे लैपरस, इस बार आइस बीम करेंगे। अबे यार आइस बीम तो करने दे, बाबा चीन कर रहा है पोकेमोन भाई, तो गलत बात है। ओके अब आइस बीम करूँगा, आइस बीम अब बच के दिखा, ये हुई ना बात। अब नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है इसका, डार्क रहा, इस पर भी आइस बीम सुपर इफेक्टिव होगी मेरे हिसाब से, नहीं तब भी अच्छा डैमेज दिया है इसने। ये लेजेंडरी पोकेमोन के कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, एक लैपरस का क्या गुंडे बनेंगे यार ये लोग। म्यूटू, शायद म्यूटू को मैं डिफीट ना कर पाऊँ इससे, क्योंकि इतनी कम हेल्थ में बहुत मुश्किल है। हम बाकी हम चार्ड को यूज़ करके देख लेते हैं, हम करेंगे फ्लेम थ्रोअर, इतना अच्छा खासा डैमेज नहीं पड़ा भाई वो, अच्छा वो उसने भागने नहीं देगा वो हमें, वैसे उसने मार दिया है। विनसोर अब तुम करो पॉइजन, क्योंकि ये अच्छा दमदार म्यूटू है, पता नहीं क्या खा कर आया। गुड जॉब, अब मर जाएगा इसमें देर में। तो चलो भाई फाइनली हमने म्यूटू को भी डिफीट कर दिया हुआ है, तो जियोवानी भाई अब तुम क्या बोलोगे इस चीज़ के ऊपर। तुम्हारे पास दो लेजेंडरी पोकेमोन थे, एक ड्रैगन नाइट था, फिर भी हमने उड़ा दिया तुम्हें, और तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा है। नहीं इसके पास तीन पोकेमोन थे ना, शायद तीन थे कि चार थे इतना याद नहीं, चार थे इसके पास शायद। तो ये लेजेंडरी पोकेमोन जा चुका है यहाँ से, हम भी चलते हैं नीचे की साइड और चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। जियोवानी तो बड़ा बुरी तरह पिल गया भाई, और इसके पास ये डार्करा भी था, उसका म्यूटू भी बड़ा मस्त था, पर भाई क्या फ़ायदा। और ड्रैगन नाइट का ड्रैगन टेल का क्या सीन था, ड्रैगन टेल मार रहा है पोकेमोन चेंज हुआ, मार भी तब रहा है जब लैपरस आ रही है भाई, जिसे पैसे खाए हो कि हाँ भाई लैपरस आएगी सीधा ड्रैगन टेल मारियो, बाहर जाएगी लैपरस। पर फिर भी हमने जियोवानी को डिफीट कर ही दिया, इसको डिफीट करना इतना मुश्किल नहीं था। अरे वाह ये तो एक अच्छा पोकेमोन है, और ये आइस टाइप में भी शायद घोस्ट टाइप में भी आता है ये, हाँ ये लूजेंस दिखाता होता है फालतू के जो किसी काम के नहीं होते हैं। हाँ पर मुझे वो पोकेबॉल्स के अंदर बेकार पोकेमोन नहीं चाहिए, इसमें तो एक वो भी था भाई मैं नाम भूल गया उसका, वो एक बहुत बेकार सा घोस्ट टाइप पोकेमोन था। वैसे हम बाहर पहुँचने वाले ना, हाँ मे बी पहुँचने वाले हैं हम, शायद ये लास्ट सीढ़ी थी, नहीं इसके बाद ना फॉग हट जाएगी मेरे हिसाब से, फॉग हटनी चाहिए, नहीं अभी मतलब एक और सीढ़ी पड़ी है उसके बाद फॉग हटेगी। ठीक है भाई वेट करते हैं हम लोग। अरे अभी क्यू बॉन का भूत नहीं आया भाई, वो मैरोवैक का जो था, शायद यहाँ पे आना ही नहीं था मैरोवैक के भूत ने, या फिर हम रिपल यूज़ करें तब नहीं आया वो, पर नहीं ऐसे आता है वो मेरे हिसाब से। चलो यार इतना तो मुझे पता नहीं है वो घोस्ट कहाँ पे है, पर अब हमें चलना चाहिए। बढ़िया वो घोस्ट नहीं है तो मुझे वो पहले उसके लिए जाके वो ढूंढना पड़ता है सामान वगैरह ना, तब जाके हम उसको घोस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, समझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।